सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज तुरंत पाने के लिए। आयकर गणना 2020-21 के लिए ई कैलकुलेटर हुआ जारी, जाने नए या पुराने स्लैब में किसमें है आपका फायदा। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब आयकर के लिए नया स्लैब लागू हो चुका है। पुराना स्लैब और नया स्लैब दोनों ही जारी रहेंगे। आप अपनी मर्जी से जो भी आपके लिए उचित हो वो आप अपना सकते हैं। साथ में ई कैलकुलेटर भी जारी हुआ है, जिसके जरिए आप जान सकते हैं कि आपके लिए कौन सा फायदेमंद है, नया स्लैब फायदेमंद है या फिर पुराना स्लैब फायदेमंद है। पुराने स्लैब के अनुसार दोस्तों आपको जानते ही हैं कि 2.5 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है, और 2.5 लाख से लगाकर 5 लाख तक 5% था, और 5 लाख से 6 लाख तक 20% टैक्स था, और कुल कर योग्य यानी एक एक उदाहरण के तौर पर आपको बताया गया है। साथ ही अगर न्यू स्लैब है तो 50 लाख की जो डिडक्शन थी वो कुछ नहीं है। अब 5 लाख से 7.5 लाख तक 10% आपको टैक्स देना होगा, 7.5 से 10 लाख रुपए तक 15% आपको टैक्स देना होगा। ये आपका जो है पुराना स्लैब है और ये है वो नया स्लैब है। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए नया स्लैब फायदेमंद है या पुराना फायदेमंद है, तो इनकम टैक्स इंडिया ने एक ई कैलकुलेटर लॉन्च किया है, जो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि आप ई कैलकुलेटर के जरिए आप अपनी आय अंदर डालकर और डिडक्शन डालकर अपना फायदे जान सकते हैं। कैसे जानेंगे आज के इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोतीलाल कनौजिया और आप देख रहे हैं रॉयल टीचर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और बताते हैं आपको ई कैलकुलेटर के बारे में, जिसे आप अपना स्लैब जान सकते हैं। दोस्तों आपको जाना है अपने वेब ब्राउजर में। वेब ब्राउजर में आप सीधा सा अगर ये टाइप कर देंगे इनकम टैक्स, तो आपके सामने सबसे पहली वो वेबसाइट ओपन होती है वो इनकम टैक्स इंडिया ई फिलिंग की ही ओपन होगी। ई फिलिंग होम पेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट ये है, इसी को आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो ये आपके सामने इस तरह की वेब पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ जो कंटिन्यू टू होम पेज लिखा आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है, तो वो पेज हट जाएगा। हटने के बाद ये इनकम टैक्स इंडिया की आपकी ई फिलिंग की वेबसाइट आपके सामने ओपन हो चुकी है। अब आपको अपना कैलकुलेट करना है कि आपके लिए नया स्लैब फायदेमंद है या फिर पुराना स्लैब फायदेमंद है। तो यहाँ पर देखिए ई कैलकुलेटर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 और ये न्यू का लोगो भी आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने पर आपसे सबसे पहले यहाँ सेलेक्ट मांगा जाएगा, यानी आप 60 साल से कम हैं, ये देखिए बिलो 60 ईयर, बिटवीन 60 ईयर टू 89 ईयर, अबाउ टू 89 ईयर, यानी सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन और नॉर्मल सिटीजन जो भी है आप उसको सेलेक्ट कर दीजिए। करने के बाद एस्टिमेटेड एनुअल इनकम। अब दोस्तों एस्टिमेटेड एनुअल इनकम आपको कहाँ से मालूम चलेगी, अब आपको अपना GA55 डाउनलोड करना। आप अपनी पे मैनेजर ओपन करेंगे, पे मैनेजर से अपनी आप अपनी जो RJ की ID है वो डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालकर और लॉगिन बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ आपके डिजिटल आ रहा होगा तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ जो फॉर DDO और एम्प्लॉय लॉगिन आ रहा है वहाँ से करके आप एम्प्लॉय में बदल सकते हैं। ये साइट थोड़ी अभी नहीं चल रही है लेकिन आप चलाकर कर लीजिए। GA55 डाउनलोड करते समय दोस्तों ध्यान में रखें कि आपको एस्टिमेटेड डाउनलोड करना है, यानी अगर आपको जनवरी माह की सैलरी मिली है तो फरवरी माह आपका एस्टिमेट आएगा, तो वो एस्टिमेट डाउनलोड करके ये जो टोटल अलाउंस है वो लिख लीजिए, ये टोटल अलाउंस कितने हैं और यहाँ पे है टोटल डिडक्शन ये कितने हैं, दोनों नोट कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे ये जो एस्टिमेटेड एनुअल इनकम है वो एस्टिमेटेड डाल दीजिए, और लेस एक्सपेंशन यानी डिडक्शन आपका कितना है डिडक्शन वो डालकर कंपेयर टू टैक्स अंडर एग्जाइटिंग एंड न्यू रिजम में क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने पर दोस्तों आपके सामने ये ओल्ड रिजम यानी पुराना जो स्लैब है और जो नया स्लैब है उसके अनुसार आपका कितना टैक्स बनता है वो आपको नजर आ जाएगा। साथ में आपका किस में बेनिफिट है, फायदा किस में है वो भी दिखा दिया जाएगा। यहाँ पे नीचे लिखा आएगा टैक्स बेनिफिट एज पर न्यू रियम इन 2324 रुपए आपको नए वाले स्लैब में फायदा है। इसी तरह अगर आपकी इनकम में पुराने वाले स्लैब में आपको फायदा आ रहा है तो आप पुराना वाला स्लैब लीजिए, अगर नए वाले में आ रहा है तो नए वाला लीजिए। लेकिन दोस्तों मोस्टली बात है वो जो यही है एनुअल इनकम की, एनुअल इनकम ध्यान में रखें और जो आपका डिडक्शन है आपकी कटौती है वो ध्यान में रखकर आप इसको कंपेयर कर दीजिए। आप इसको किसी भी मोबाइल कंप्यूटर या के डिवाइस पर कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए
पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।